आज हम लोग चैप्टर 4 शब्द विचार नामक पाठ को करेंगे। पाठ में यहाँ पे हम लोग यहाँ शीर्षक देख रहे हैं शब्द विचार, यानी इस पूरे पाठ में हम लोगों को शब्द के विषय में जानकारी मिलेगी। शब्द किस तरह से बनते हैं, शब्द किसे कहा जाता है, किस तरह से उत्पन्न हुआ, इन चीज़ों के विषय में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले शब्द चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो कम से कम दो वर्ण के मिलने पर एक शब्द बनता है, यानी शब्द को बनाने के लिए दो या दो से अधिक वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। अगर छोटा शब्द हमें बनाना है तो उसके लिए कम से कम हमें दो वर्ण की जरूरत पड़ेगी। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, तो मेरे ख्याल से अभी याद होगा वर्ण हम लोग किसको कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, जिसमें क ख ग घ और कुछ स्वर अ आ करके थे। तो उन्हीं वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। तो अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पर एक कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, उसे मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं सीधे यहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो हम लोग नीचे थोड़ा आ जाएंगे। कविता की पंक्तियों में हर शब्द का अर्थ है, ये सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा सभी शब्द जो हैं वर्णों के मेल से बने हैं, यानी वर्ण का मेल से ही शब्द बनता है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे घड़े, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये जुड़े हुए हैं। घ हलंत जोड़ अ जोड़ ड हलंत जोड़ ए, तो ये घड़े। बादल, ब जोड़ आ जोड़ द हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो शब्द के निर्माण को देखा कि किस तरह से ये वर्ण किस तरह से इसमें जुड़े हुए हैं। तो वर्णों के ऐसे समूह को ही शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। तो यहाँ पर दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द बनाने के लिए जो भी वर्ण जुड़े, उन वर्णों के जुड़ने पर जो शब्द तैयार होता है उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, यानी बिना अर्थ का अगर शब्द है तो वो निरर्थक शब्द है, उसे हम शब्द के अंदर नहीं रखते हैं, यानी निरर्थक शब्दों में डाल देते हैं, सार्थक समूह में नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर अब हम परिभाषा को देख लेंगे। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, तो इस चीज को यहाँ देखना है। सार्थक समूह यानी अर्थ के साथ जिन वर्णों का समूह तैयार होता है उन शब्दों को जो अर्थ बताते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे शब्दों के भेद। तो यहाँ पर विभिन्न आधारों पर शब्दों के चार भेद हैं। तो शब्द के चार भेद, शब्द को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। पहला वाला में हम लोग आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब है किस तरह से वो उत्पन्न हुआ या किस तरह से बना है शब्द, शब्द की किस तरह से उत्पत्ति हुई है, जन्म कैसे हुआ है। तो यहाँ पर शब्द का जन्म के आधार पे, यानी किस तरह से जन्म उसके आधार पर फिर से यहाँ शब्द को चार भागों में बांटा जा रहा है। पहला हो जाता है तत्सम शब्द, दूसरा हो जाता है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज और चौथा विदेशी शब्द। तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो तत्सम शब्द सबसे पहला है। तत्सम शब्द यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के हो रहा है, यानी जिस तरह से संस्कृत भाषा में जो शब्द है उसी तरह से अगर हम उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में करते हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे
अक्सर हम लोग हिंदी में भी देखते हैं अग्नि, मयूर, सर्प, रात्रि, सूर्य आदि, इन शब्दों का प्रयोग होता है हिंदी में। तो जो शब्द बिना किसी बदलाव के, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उसे बिना किसी बदलाव के अगर हिंदी में हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर याद करने के लिए एक ध्यान अगर दें तो यहाँ पर तत्सम, यहाँ स है और इससे हम याद रख सकते हैं कि ये संस्कृत के शब्द हैं, यानी संस्कृत के जो शब्द हैं उसको सीधे उठा करके हिंदी में प्रयोग किया गया है, उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। दूसरे वाले भेद में आते हैं हम, तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं पर कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ये शब्द भी, यानी शब्द ये भी संस्कृत भाषा के हैं लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी हिंदी में जब हम प्रयोग करते हैं इन शब्दों का तो उनका रूप थोड़ा सा बदल जाता है, तो उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहेंगे। यानी जब रूप बदल जाएगा तो उन शब्दों को हम तद्भव में रख देंगे। जैसे आग, अग्नि का ही बदला हुआ रूप हो गया यहाँ पर आग, जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। मयूर का मोर, सर्प सांप, रात्रि रात, सूर्य सूरज। तो ये जहाँ पर जितने भी शब्द हम देख रहे हैं ये तद्भव शब्द यानी हिंदी के ये शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन थोड़ा सा बदलाव के साथ इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी ये इसका संस्कृत का ये बदला हुआ रूप है। अब हम लोग यहाँ पर इस कॉलम को ध्यान से पढ़ कर याद कर लेना है इन चीज़ों को, इन सारे शब्दों को। यहाँ तत्सम और तद्भव कॉलम यहाँ दिया हुआ है, इन सभी शब्दों को हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा तत्सम का क्या तद्भव शब्द बनेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे देशज शब्द। जैसा कि नाम से ही हमें दिख रहा है देशज, यानी यहाँ पर देश की विभिन्न भागों से जो भाषाएं बोली जाती हैं उनसे कुछ शब्द हमारे हिंदी में आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हम पढ़ लेंगे इसका परिभाषा। ये शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों की आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, डिबिया, झाड़ू, थैला। यानी देश की विभिन्न भाषाओं से इन शब्दों को हिंदी में ले लिया गया है और इन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द के लिए याद करने के लिए हमें ये ध्यान में रख लेना है कि ये देश की विभिन्न भाषाओं से लिया हुआ शब्द है, जिसको हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे हम देशज शब्द कहेंगे। अब हम आएंगे विदेशी शब्द, यानी विदेशी भाषाओं से जितने भी शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ भाषाएं, कुछ शब्द दिए गए हैं जो विभिन्न भाषाओं से लिए गए हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा से तो रेडियो, पेंसिल, डॉक्टर, स्टेशन आदि। अरबी भाषा से औरत, मालिक, फकीर, गरीब आदि। फारसी भाषा से तो यहाँ किताब, बाग, खूबसूरत, बीमार आदि। तुर्की भाषा से बेगम, तोप, चाकू, कैंची, तलाश आदि। पुर्तगाली भाषा से तो प्याला, चाबी, बाल्टी, फीता, साबुन आदि। तो अभी हम लोगों ने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि किस तरह से शब्दों का जन्म हुआ है या शब्द कहाँ से आए हैं हिंदी में, किस तरह से शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, लिए गए हैं कहाँ कहाँ से, किस जन्म के आधार पर, तो उनको हम उत्पत्ति के आधार पर उन शब्दों को ध्यान में रखेंगे। ये चार हैं, पहला तत्सम जो संस्कृत के हैं, तद्भव यानी हिंदी में संस्कृत के ही शब्द जो बदल करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, देशज जो देश की भाषाओं से आए हैं, और विदेशज यानी जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।